आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी नॉन फ्राइड दही बड़ा। मेरे चैनल चटकारा कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे चटकारेदार रेसिपी हाथों हाथ आप तक पहुंच सके। ब्रेड दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड को काट लेंगे। सिर्फ हमें ये कॉर्नर ही काटने हैं, इस तरह से, इस तरह से हम सारी ब्रेड के, आपको जितने भी क्वांटिटी में दही बड़े बनाने हैं उतनी हम काट लेंगे और इसे साइड में रखते जाएंगे। ये सारी ब्रेड के हमने कॉर्नर निकाल लिए हैं और इसे हम रख देंगे साइड में। अब हम इसके लिए दही बड़ों में स्टफिंग के लिए सामग्री तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं ये थोड़े से काजू टुकड़ी, थोड़े से करीब एक चम्मच है, और थोड़े से ये बादाम की कतरन है, थोड़ी सी ये हमने लिए किशमिश, और इसी में मैं डाल दूंगी ये एक चम्मच नारियल का बूरा जो मार्केट से लिया हुआ है मेरा। अगर आप इसे ना यूज करना चाहें तो आप इस तरह से ये जो नारियल होता है इसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम ले लेंगे वापस इस ब्रेड को। ये स्टफिंग हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें नारियल का बुरादा एक चम्मच और डाल दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था सामान। आप इसमें चाहें तो इसकी क्वांटिटी ड्राई फ्रूट की और नारियल के बुरादे की आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक एक चम्मच तीनों लिए थे, काजू बादाम और किशमिश, ड्राई फ्रूट दो चम्मच लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से सारा मैनेज कर सकते हैं। अब हम दही बड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेट के अंदर ब्रेड को रख लिया है। इसमें मैं डीप करने के लिए अच्छे से दूध डाल दूंगी। दूध हमें करीब इतना डालना है कि ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए करीब चार चम्मच मैंने दूध डाला है। चार चम्मच दूध में ये ब्रेड हमारी अच्छे से डीप हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे ये स्टफिंग और इसको लेकर इस तरह से हमें ये सॉफ्ट होने के बाद एकदम थोड़ा सावधानी से आप इसे इस तरह से रोल कर लीजिए। इस तरह से हमें इसे रोल करके और गोल गोल दही बड़ा शेप दे देनी है। आप चाहें तो इसे गोल शेप दीजिए या थोड़ा अंडाकार शेप भी देकर बना सकते हैं या चपटे बना सकते हैं। आप जैसा चाहें इसे शेप देकर दही बड़ा बना सकते हैं। मैं इसे गोल ही बना रही हूँ। ये देखिए ये हमारा दही बड़ा बन गया एकदम। अब हम इसे साइड में रख देंगे। इसी तरह से सारे दही बड़े हम बनाते जाएंगे। ये दही बड़े बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। ये करीब आधी कटोरी मैंने दूध लिया था और आधी कटोरी दूध में ही ये आठ दही बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से मैंने इन्हें एकदम रोल कर दिया था। अब हम इसे 3 से 4 घंटा के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद दही बड़ा सर्व करेंगे। ये दही बड़े हमारे 4 घंटा फ्रिज में रखने के बाद अच्छे से सेट हो चुके हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व कर देंगे। सर्व करने के लिए हमें सबसे पहले दही की ज़रूरत होगी। मैंने ये एक प्याला दही लिया है। इसमें मैंने ये आधा चम्मच पीसी चीनी डाल ली है। इसे हम डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। दही में हल्के हल्के से लम्स हैं वो हम निकाल लेंगे। ये दही हमारा फेंट चुका है। अब हम इसे सर्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी पे हम दही ही डालेंगे। दही डाल दी। दही आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे ये होममेड मेरा जीरा है। इसमें मैंने नमक मिर्च भी ऐड किया हुआ है, इसलिए हमें नमक मिर्च डालने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी डाल देंगे ये इमली और गुड़ की चटनी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और एक बढ़िया फ्लेवर देती है दही बड़ों को। और साथ में ये डाल देंगे हम ग्रीन चटनी। इसके बिना तो दही बड़े अधूरे ही हैं। ये हमारी धनिया और पुदीने की चटनी है।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चटनी कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब आप इसके चटकारे लीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके दही बड़े कैसे बने हैं। ये देखिए, एक दही बड़ा मैं आपको तोड़ कर और दिखाती हूँ। ये देखिए, किशमिश और ड्राई फ्रूट बाहर आ रहे हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसे घर पर ट्राई कीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए प्याज के पकोड़े या फिर भजिए की रेसिपी देखने के लिए ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और क्रिस्पी ब्रेड पॉपकॉर्न की रेसिपी देखने के लिए नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।